गांधी जी का जो भाषण हुआ कांग्रेस प्लेनरी में, उसी भाषण को लेकर जो कुछ प्रतिक्रिया थी, मैंने सोचा आप लोगों के बीच रखूं और आप लोगों से भी समझूं, जानने की कोशिश करूं कि आप लोगों को क्या लगा उस भाषण को सुनकर। चलिए, जनरली मैं राहुल गांधी के प्रति उदार नहीं रहती, पर कुछ चीज़ें जो कहनी ज़रूरी हैं वो कह देते हैं। जो अच्छा लगा, अच्छा ये लगा कि पहली बार राहुल गांधी अपने स्मोकी जीवन से उठ करके ऐसी बातें कह रहे थे जो हर एक सेंटेंस बोल पा रहे थे ठीक तरीके से, तो ये चलिए एक प्लस पॉइंट है। वो 50 वर्षीय युवा अगर सीख गया है बोलना तो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग रुद्रो जी, ईशान जी, चंद्र प्रकाश दवे जी, तन्मय त्यागी, राकेश, ओ पिंकी दीदी भी आई हुई हैं, शिबू जी, प्रशांत जी, सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं कोशिश करूंगी कि जिस क्रम में राहुल गांधी का स्पीच चला है उसी क्रम में मैं अपनी बात रखूं। राहुल गांधी जी ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया तो उन्होंने सोनिया गांधी जी को श्रीमती सोनिया गांधी जी कहकर संबोधित किया, और बाकी जो भी बड़े लीडर्स थे उनसे उम्र में भी बड़े थे, उनसे तकाजे में भी बड़े थे, उनसे एक्सपीरियंस में भी बड़े थे, उन सबके पीछे श्री लगाने की जहमत भी नहीं उठाई। अब वो जहमत क्यों नहीं उठाई ये राहुल गांधी जी समझाएंगे। उनके प्यार वाली राजनीति में ऐसा कौन सा प्यार छुपा है कि कांग्रेस पार्टी में सारा सम्मान केवल GHANDY के लिए सुरक्षित है, संरक्षित है, लेकिन जो भी इनके यहाँ बड़े लीडर्स हैं उनको श्री तक कहकर राहुल गांधी संबोधित तक नहीं कर सकते। और आपको ध्यान होना चाहिए, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह के एक बिल को भरी सभा में, आम जनसभा के बीच जाकर फाड़ दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये राहुल गांधी का श्री श्रीमती का के उद्बोधन में जो भी उन्होंने घटाटोप किया है वो क्यों किया है। राहुल गांधी जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का नाम का काम जोड़ने का काम है, और बार बार वो संघ RSS और BJP को एक साथ मिलाकर वो कहते हैं कि उनका काम तोड़ने का काम है। आज मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि जब महात्मा गांधी ने मना किया था नेहरू को कि आप पार्टीशन वाले पूरे कागजात पर सिग्नेचर ना कीजिए, तो उन्होंने उस पर सिग्नेचर करके देश को जोड़ने का कौन सा ऐसा काम कर दिया। 1947 में जो रायट्स हुए उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही फ्रंट पे एक तरीके से जो आ करके उसने वायलेंस को क्वेल करने की कोशिश नहीं की, कागजात पे साइन करके आ गए, वो किस तरीके के जोड़ने का काम था। 1984 में जो सिखों के अगेंस्ट जो दंगे भड़के दिल्ली की सड़कों पर, वो किस तरीके के जोड़ने का काम था। नल्ली मैसेकर जब असम में हुआ तो वो किस तरीके के जोड़ने का काम था। नागा इंसर्जेंसी किस तरीके के जोड़ने का काम था। नॉर्थ साउथ डिवाइड जब राजीव गांधी ने अपनी बदतमीजी के कारण शुरू किया, वो किस तरह के जोड़ने का काम था। ऐसा है कि इतिहास की व्याख्या केवल लफाजियों में नहीं की जा सकती। इतिहास की व्याख्या वैसे की जाती है जब आप इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस GHANDY खानदान ने किस तरीके से देश की जनता को, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया का डिवाइड हो, लिंग्विस्टिक डिवाइड हो, किसी भी तरह की बात हो, इन्होंने अपना किस तरह से योगदान दिया है देश को तोड़ने में। मैं बार बार राहुल गांधी जी को एक सजेशन देती हूं कि आप एक बार शाखा जाइए और एक महीने शाखा में जाकर रहिए तो आपको संघ और भाजपा का अंतर समझ में आएगा। क्योंकि इन लोगों की जो आदत है कि कांग्रेस पार्टी एक मेटा ऑर्गेनाइजेशन है और सारे उनके ऑफशूट्स हैं, और वो इस तरह के ऑफशूट्स हैं कि वो सब्ज्यूम्ड है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन ऐसे ही देखा हो, जिस व्यक्ति ने ये तक देखा हो कि राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से जो संस्था चलती है वो अल्टीमेटली कांग्रेस का बैक ऑफिस है, वो ये समझ ही नहीं सकती कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में तात्विक अंतर क्या है। तो मैं इतनी समझ तो राहुल गांधी जैसे 50 वर्षीय युवा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, और जब जब ये इस तरह का भाषण देंगे जहां पे बीजेपी और RSS के बीच का जो डिफरेंस है उसको ये मिटाने की कोशिश करेंगे, तब तब हमारे जैसा युवा इनसे सवाल पूछेगा और कहेगा कि आप संघ की शाखाएं विजिट कीजिए, 4-5 दिन बिताइए, शायद थोड़ा दिमाग ठिकाने आए उनका। राहुल गांधी जी ने पंजा छाप चिन्ह की चर्चा करते हुए कहा कि ये वही चिन्ह है जिसने प्रेस की रक्षा की है।
मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि पंजे की बात तो वो करते हैं, पर अपनी दादी के समय जो गाय बछड़ा वाला जो सिंबल था उसकी बात क्यों नहीं करते? आज हिंदू वोट कंसोलिडेट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ये, तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने गाय बछड़े के सिंबल को त्याग दिया और आपको आशीर्वाद वाला सिंबल याद रहता है? अब ये जो इन्होंने नौटंकी की है भरे कांग्रेस प्लेनरी में कि हम आपको बहुत सारी फ्रीडम देंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को वो सम्मान देंगे जो अभी तक नहीं मिला, मैं तो कांग्रेस के सिंबल पे ही सवाल पूछना चाहती हूं, आखिर एक आशीर्वाद देते हुए पंजे का मतलब क्या है? उसको मैं विद्रूप रूप से नहीं कह रही हूं कि उस पंजे का मतलब एक झापड़ भी हो सकता है जो आप जनता को हर इलेक्शन में मारते आए हैं, मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जिस पंजे की बात वो बार बार करते हैं कि वो उनकी रक्षा करती है, वो किस तरह की रक्षा है? हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता, और उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से, जो किसी के विजडम के हिसाब से जो व्यक्ति अधिकारी होता है अपने सम्मान के लिए, उसको सम्मान दिया जाता है। पर कांग्रेस पार्टी क्या जनता से इतनी ऊपर है कि आशीर्वाद के सिंबल से वो जनता को बताए कि हमने आपकी रक्षा की और बार बार इसका एहसास दिलाए? मुझे शर्म आती है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में एक हेजेमोनिक तरीके से आज भी शासन कर रही है। प्रेस फ्रीडम की बात उठाते हुए जिस तरह से राहुल गांधी ने एक अपर हैंड लेने की कोशिश की और जिस तरह से एक पेट्रियार्कल माइंडसेट के तहत एक हायरार्की बिल्ड करने की कोशिश की, वो अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। राहुल गांधी जी ने, और जाहिर सी बात है कांग्रेस प्लेनरी सेशन था तो राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय उन्होंने कहा कि हमारा जो संगठन है, हम चाहते हैं कि हमारे स्टेज पे कोई भी ना हो, आप देख सकते हैं कि स्टेज खाली है, मैं इन स्टेज को उन लोगों के लिए खाली करना चाहता हूं जो उधर उस पंक्ति में खड़े हैं, मैं चाहता हूं आप यहां आकर बैठे। शहजाद पूनावाला जी भी तो उसी गैंग के मेंबर थे, आपने क्यों नहीं उनको खींचकर स्टेज पर ले आए? आप आज क्यों लफाजी कर रहे हैं कि हम महिलाओं को, तो हम दलितों को, तो हम किसानों को खींच कर स्टेज तक लाएंगे? आपके पास तो लोग स्वयं चल कर गए थे कि आप मुझे स्टेज पर जगह दीजिए, उसके बदले उनको मिला क्या कि आज जब वो स्टूडियो में जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो भी आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आपके कांग्रेस पार्टी के दलाल और आपके कांग्रेस पार्टी के गुंडे फोन करके प्रेशर देते हैं कि शहजाद पूनावाला को बोलने तक की आजादी नहीं दी जाए? तो आप अपनी लफाजी कांग्रेस प्लेनरी सेशन तक सीमित रख सकते हैं राहुल GHANDYG, लेकिन देश की जनता समझती है कि आपके पंजे का मतलब क्या है। राहुल गांधी जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने कौरव पांडव की बात की और जिस तरह से कौरवों का डिस्क्रिप्शन दिया, मैं केवल इतना ही चाहती थी कि एक टाइम मशीन होता और राहुल गांधी जी को मैं इंपोर्ट करती 2014 के पहले, एक एक चीज जो उन्होंने कौरवों के बारे में बोली वो पूरी की पूरी अक्षरशः कांग्रेस पार्टी पे लागू होती थी। क्या कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है? और पैसा नहीं है तो लटियंस में जो इतने सारे बंगले भरे हुए हैं कांग्रेस पॉलिटिशियंस के, वो किस नाम पे के बंगले हैं, किस तरीके का वेल्थ है वो? और अगर वो वेल्थ नहीं है तो क्या आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहने को तैयार हैं कि हाँ हम इन सभी बंगलों की नीलामी करवा देते हैं? पैसे की बात बार बार राहुल गांधी उठाते हैं कि हमारी पार्टी तो भाई गरीबों की पार्टी है। आपकी पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, आपके पास इतना पैसा है कि आप केवल एक MP होने के बावजूद आप हर तीसरे चौथे महीने विदेश यात्रा करते हैं, तो आप अपनी गरीबी का ढिंढोरा मत पीटिए। उन्होंने कहा कि कौरवों के पास नंबर्स हैं। भाई अभी तो आपके पास 1947 to 77, 1979 to 96, 2004 to 2014 और इस बीच में और 10 साल 79 to 89 आपकी सरकार थी, पूरे बहुमत के साथ आप राज कर रहे थे। तो ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं और ये जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है? क्या आप जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि आपको लगता है उनको मालूम नहीं चलेगा कि आप इस तरह की लफाजियां बोलकर आगे बढ़ जाएंगे?
और कौरवों पांडवों की बात नहीं मत कीजिए राहुल गांधी जी, अगर आपको मैं खुला चैलेंज दूं कि आप सामने आकर 5 पांडवों के नाम बिना लड़खड़ाए बोल दें स्टेज पर, तो मैं मान जाऊं आपको, बिना वो जो आपका स्पीच दूसरे लोग जो लिखते हैं उनका, उनके हाथ में, आपके हाथ में उनके फर्रे ना हो और स्क्रीन पर जो चीजें सामने रहती हैं वो सामने ना हो, आप पांडवों के नाम लेकर बता दीजिए बिल्कुल स्पष्टता। इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप मंत्र तो बोल नहीं पाते, मंत्र को भी आप मंत्र पढ़ते हैं, आपको आप तू का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मैं आ रही हूं इस पे क्योंकि जो मंदिरों वाली जो बात की थी उससे मैं एक हिंदू महिला होने के नाते मैं बहुत आहत हुई हूं, मैं आऊंगी उस पे कि क्यों। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं एक मंदिर गया था, शिव मंदिर गया था, राम मंदिर क्यों नहीं गए उस पर चर्चा हो सकती है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी अभी क्योंकि यूपी इलेक्शन अभी नहीं है, इलेक्शन कर्नाटक में है इसीलिए उनको शिव मंदिर की याद आ रही है, शिव मंदिर गए बहुत बहुत आभार आपका, मुझे लगता है शिव जी को आपके सामने साष्टांग दंडवत करना चाहिए आपके हिसाब से कि आप गए भाई वहां तक, मंदिर तक पहुंचे। चलिए मंदिर तक पहुंचने के बाद आपने क्या किया, मैंने तो पानी डाला, मैंने तो दूध डाला, मैंने तो मंत्र पढ़े, मंत्र नहीं कहा था उन्होंने, मंत्र कहा था, मंत्र पढ़े। उसके बाद मैंने पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया, जिसके उसके बाद जिस तरह से इन्होंने पंडित की भाषा सुनाई है लोगों के सामने, एक मखौल बनाया है तू तड़ाक की भाषा करके, उससे मैं बहुत आहत हूं। और मुझे नहीं पता कि देश में कितने हिंदू आहत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुओं को आहत होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता पंडित का कोई भी पुजारी किसी भी व्यक्ति से तू तड़ाक की भाषा करके बात करता है। राहुल गांधी जी या तो मंदिर गए नहीं, या मंदिर गए तो उन्होंने बात नहीं की पुजारी से, और अगर बात की तो पता नहीं किस बदतमीज व्यक्ति से बात की या किस बदतमीजी से उन्होंने उस बात को परिभाषित किया, ये भाषा किसी पंडित की नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि एक मंदिर में उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई भगवान हर जगह है, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं, दूसरे पंडित के पुजारी के बारे में जब उन्होंने बात की तो बड़े ही छद्म तरीके से, बड़े ही साइड रिमार्क्स मारते हुए उन्होंने कहा कि ये तो सब कर्म कांड है जी। यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ, यही दिक्कत है राहुल जी HANDY के साथ, क्योंकि राहुल गांधी कभी भी हिम्मत नहीं है उनकी कि वो सेक्युलर ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, मंदिर का उदाहरण दिया था, मस्जिद का भी उदाहरण दे देते, कह देते कि मैंने मुल्लों से सवाल पूछा था, कह देते कि मैं चर्च में भी गया था और वहां पर पादरियों से पूछा था। क्यों आपको पादरी और मुल्लों को बीच में लाने में शर्म आती है राहुल गांधी जी? आपको क्या लगता है कि हिंदू धर्म को क्या लगता है कि हिंदू धर्म के अनुयायी इतने टॉलरेंट हैं कि आप किसी भी तरह से कोई भी बकवास करके निकल जाएंगे और हम लोगों को समझ में नहीं आएगा? आपको बात करनी चाहिए थी राहुल गांधी जी, ट्रू सेक्युलर क्रेडेंशियल्स दिखाना चाहिए था, और जिस तरीके से मेघालय में आपने पादरियों के साथ डील करने की कोशिश की, वो डील करने की कोशिश आप कांग्रेस प्लेनरी सेशन में भी करते राहुल जी। राहुल जी ने बात की क्रोनी कैपिटलिस्ट की, मैं पूछना चाहती हूं कि वाडराज और जिंदल्स कौन है? नेहरूवियन सोशलिस्ट्स हैं क्या? राजीव गांधी जी, उनके अपने पिताजी ने पूरी की पूरी जो कल्चर है क्रोनी कैपिटलिज्म की, उसकी शुरुआत की थी, चाहे वो दून स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो लंदन में उनके पढ़े लिखे साथ में पढ़ने वाले जो लोग हों, सबके साथ मिली भगत करके उन्होंने जो क्रोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत की राहुल जी, उसका रिएक्शन तो होगा ना। अगर आपको दोबारा इस देश की परिभाषा को बदलनी है जैसा आप बदलना चाहते हैं, तो आप अपना मत स्पष्ट कीजिए, केवल यह कह देना कि हम भाई सच के साथ हैं। किस सच के साथ हैं? मैं तो आपसे उन सभी हिसाबों का लेखा जोखा मांगने आई हूं कि आप बताइए कि सच्चाई क्या है 1984 की, आप बताइए कि नल्ली मैसेकर की सच्चाई क्या है, आप बताइए कि मंगलदोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70,000 बांग्लादेशी रातों रात कैसे चले आते हैं, आप बताइए कि असम मूवमेंट की असली सच्चाई क्या है, आप बताइए कि 1984 के पहले जो पूरा का पूरा एक माहौल बना सिख इंसर्जेंसी का, उसके पीछे की सच्चाई कौन है, क्या है, और कौन है उसका जिम्मेवार? राहुल गांधी जी ने बहुत लफाजियां की, उन्होंने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। तो राहुल गांधी जी, आपके अभिभाषण में जिसने भी लिखा कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि 15 लाख हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, मैं तो अभी तक ढूंढ रही हूं वो वीडियो, मुझे तो वो वीडियो नहीं मिला। आपकी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सेना है
आईटी सेना भी है, आपके स्पीच लिखने के लिए भी सेना है, आपको ग्लास में दूध पिलाने के लिए भी दो चार पांच लोगों की सेना है, उन सभी सेनाओं को कहिए कि एक 15 सेकंड का वीडियो क्लिप दिखा दे जिसमें मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे. हाउ आईरोनिक इट इज दैट राहुल गांधी गेट्स अवे विद ऑल दीज काइंड ऑफ लाइज एंड बुलशिट विदाउट पीपल इन द मीडिया क्वेश्चनिंग हिम. जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने योगा का मजाक उड़ाया और उन्होंने योगा को फैंसी योगा परेड के नाम से उद्बोधित किया, मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से कि जो लाखों लाख आज योगा के टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, फ्रीलांसर्स जो अपनी आजीविका कमा रहे हैं, क्या वो उनका अपमान नहीं कर रहे? ऐसे कितने ही योगा इंस्ट्रक्टर्स राहुल गांधी जी आपको अर्बन क्लैप जैसे ऐप पे मिल जाएंगे जो अपनी आजीविका केवल योगा करवा करके चला रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं. आपने किस तरीके से फैंसी योगा परेड का नाम लेकर उन लोगों का अपमान किया है? आप इस पे कुछ बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि योगा जिस संस्कृति और परंपरा का परिचायक है उस संस्कृति और परंपरा से आपको दिक्कत है राहुल गांधी जी. आपके पार्टी को और आपको जब तक भारत गरीब है, जब तक वो कटोरा लेकर भीख मांगने अमेरिका तक जाता है जैसा आपकी दादी गई थी, तब तक तो वो देश आपको अच्छा लगता है, तब तक तो उस देश को आशीर्वाद देने के लिए आपके हाथ उद्दत रहते हैं. पर जब जब ये देश आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है राहुल गांधी जी, तब तब आपको दिक्कत होती है. जब जब इस देश का युवा आपसे सवाल पूछता है राहुल गांधी जी, तब तब आपको लगता है कि उस पंजे का पूरा साम्राज्य खत्म हो रहा है, उस आशीर्वाद का साम्राज्य समाप्त हो रहा है, और तभी आपको दिक्कत होती है राहुल गांधी जी. आप अपनी लफाजियां अपने पास रखिए. राहुल गांधी जी ने कहा कि जब यहां किसान आत्महत्या कर रहे थे तो मोदी जी विदेश घूम रहे थे. मैं पूछना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी जी अपने नानी के यहां गए हुए थे तो यहां पर किसानों के यहां दूध की नदियां बह रही थी क्या? जब राहुल गांधी जी के यहां मनमोहन सिंह और उसके पहले इंदिरा गांधी और उसके पहले राजीव गांधी और उसके पहले नेहरू और अभी स्वयं जब वो हैं, तो कब क्या हमारे किसान भाइयों के खेत में दूध से सिंचाई की जा रही है? क्या 2014 के पहले इस देश का सारा किसान खुशहाल था? क्या 2014 के पहले वनवासियों को उनका हक मिल गया था? क्या 2014 के पहले हमारे देश के युवा ओवर एम्प्लॉयड थे? क्या हमारे देश के युवा बिल्कुल भी आप आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे 2014 के पहले? और अगर नहीं कर रहे थे तो ये इस तरह की लफाजी करके, इस तरह का गलत विरोध का कि गलत बयानबाजी करके क्या राहुल गांधी देश को बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे? राहुल गांधी ने कहा कि उनको कोई शांत नहीं करवा सकता, एक तरह का थ्रेट था उस भाषा में. नो वन कैन साइलेंस अस फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ. राहुल गांधी जी, यू साइलेंस्ड पीपल फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ. शुड आई रिमाइंड यू ऑफ इमरजेंसी? आई थिंक राहुल गांधी सफर्स फ्रॉम हिस्टोरिकल अमनीजिया. राहुल गांधी जी को याद नहीं है कि इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक डेमोक्रेसी का सर शर्म से झुका है. इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी की अपनी दादी ने इस देश में इमरजेंसी करके प्रेस फ्रीडम की ऐसी की तैसी कर दी थी, और राहुल गांधी जी आज आकर कहते हैं कि नो वन कैन साइलेंस अस. पीपल हैव साइलेंस्ड यू राहुल गांधी जी. इट जस्ट दैट यू आर नॉट टेकिंग क्यू फ्रॉम व्हाट पीपल वांटेड टू टेल यू. पीपल हैव साइलेंस्ड यू, शंटेड यू आउट ऑफ त्रिपुरा. पीपल हैव शंटेड यू एंड पुट यू आउट ऑफ ऑल दीज वेरियस स्टेट्स जहां पे आप चुनाव लड़ने गए और जनता ने आपको चपत मारकर भगाया है. राहुल गांधी जी ने जब जब मंदिर की बात की है, राहुल गांधी जी ने जब जब पंडितों की बात की है, राहुल गांधी जी ने जब जब कौरव पांडव और इस तरह के तमाम हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लाने की कोशिश की है, तो मैं पूछना चाहती हूं मीडिया से कि क्या ये कम्युनलाइजेशन नहीं है? या क्या ये कम्युनल तमगा केवल बीजेपी पर ही चिपकने के लिए उनकी पूरी की पूरी निष्ठा अचानक से कार्यरत हो जाती है? कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि इस तरह से रिलीजन को सीपिन करना पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्या कम्युनल है या नहीं? राहुल गांधी जी ने 3-4 शब्द जो कहे हिंदी में, उसकी चर्चा मैं दोबारा करना चाहती हूं. उन्होंने कहा आत्महत्या, उन्होंने कहा मंतर,
और उन्होंने प्रयोग किया तू तड़ाक की भाषा, और उन्होंने पंडित के मुंह से वो चीज बुलवाया। मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी, अगर हिंदी नहीं आती थी तो इतना ढकोसला करने की क्या जरूरत थी कि मैं आधी स्पीच इंग्लिश में दूंगा आधी स्पीच हिंदी में दूंगा, अंग्रेजी में ही बोल देते, कम से कम इज्जत बची रह जाती। आत्महत्या नहीं होती राहुल गांधी जी, आत्महत्या होती है। मंत्र नहीं होता राहुल गांधी जी, मंत्र होता है। और तू तड़ाक की भाषा एक सभ्य समाज में, शायद आप उस समाज को बिलोंग नहीं करते, नहीं बोली जाती। तू तड़ाक की भाषा केवल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में है, तू तड़ाक की भाषा यू में है। हमारे यहां आप और तू का अंतर है, आप और तुम का अंतर है। यह आपको तब समझ आता जब आप थोड़ा जेन्युइनली मंदिर जाया करते, या जेन्युइनली पढ़ाई किया करते, या जेन्युइनली आपने रामायण महाभारत पढ़ा होता। लिख करके तो दे दिया गया कि आप पांडव और हम कौरव, पर आप भूल गए कि आपके यहां जो जीजा जी हैं आपके, आप भूल गए कि आपके यहां जो पूरा का पूरा एक तंत्र काम करता है, चाहे उसने 2G किया हो, कोलगेट किया हो, CWG स्कैम किया हो, भूमि अधिग्रहण का स्कैम किया हो, ये सब तो आपके यहां हुए। तो आप किस तरह की बात करना चाहते हैं राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी ने देश के युवाओं की बात की, और जब जब वो देश की युवा की बात करते हैं तो मेरा खून अंदर से खौल जाता है। इसलिए क्योंकि मैं अपने से 20 वर्ष के बड़े व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, और वो भी वो व्यक्ति बेरोजगारी की बात करे जो स्वयं बेरोजगार है। राहुल गांधी जी एक MP होने के अलावा है क्या? राहुल गांधी की हैसियत क्या है कि वो हम जैसे जुझारू युवाओं को बेरोजगार पे भाषण दें? राहुल गांधी जी ने आज तक ऐसा कौन सा काम कर दिया हो देश के लिए जो बिल्कुल ही अनुकरण करने लायक हो? आप हमारे रोजगार की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे यहां से जब भाषण होता है, जब कहा जाता है पकौड़े बेचने की बात की जाती है, तो सबसे पहले आपके प्रवक्ता आकर गाली देते हैं लोगों को और कहते हैं कि पकौड़े बेचना एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं है। तो राहुल गांधी जी, ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत मजाक उड़ा लिया उन सभी लोगों का जो अपने दमखम पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। या तो आप उनको पार्टी से बाहर करते हैं, जैसा आपने शहजाद पूनावाला जी के साथ किया, या आपके नेता आकर मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो एलीट मेंटालिटी है ना राहुल गांधी जी, इसके साथ आप युवाओं की बात मत कीजिए। आप क्या बेरोजगारी की बात करेंगे? सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो आपके शासनकाल में बढ़ी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके शासनकाल में इसलिए भी बढ़ी क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट के अंदर गिना ही नहीं। 98% से ज्यादा जनता राहुल गांधी जी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, वो आप ही के सरकार के आंकड़े हैं। और उस समय आपने इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जोड़ा क्यों नहीं? आपको ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे यहां घर में काम करने वाली महिलाएं आती हैं या पुरुष आते हैं वो रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है? आपने उनको एक कैटेगराइज करके उनको एक सम्मानजनक पोजीशन क्यों नहीं दिया राहुल गांधी जी? इसलिए क्योंकि आपको डर लगता है कि ये जो 2% जनता के बीच आप खड़े होकर बात करते हैं वो आपकी राजनीति आगे चलाने में सहायक है, लेकिन ये जो गरीब गुरबा है उन लोगों ने आपको नकार दिया है, और ये आगे आने वाले समय में ये और भी नकारेंगे। आपको एक जिम्मेवारी मिली थी राहुल गांधी जी, अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने की। मैं बार बार जो प्रश्न पूछती हूं एक बार और पूछूंगी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 ऐसी समृद्ध महिलाओं को खड़ा कीजिए जो बता सके कि मैं राहुल गांधी जी के निरीक्षण में इतना ज्यादा काम कर पाई और मैं आज एक सशक्त भारत की सशक्त नागरिक हूं। आप अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 किसानों को खड़ा कर दीजिए जिन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू और जिन्होंने अपने दमखम पे देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया हो। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 ऐसे युवा खड़ा कर दीजिए राहुल गांधी जी जो आपके निरीक्षण और संरक्षण में देश का नाम रोशन कर रहे हो। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को यूज किया है। आप वो इंसान है राहुल गांधी जी जिन्होंने अमेठी में किसानों की जमीन अभी तक हड़प के बैठे हुए हैं। आपका तो मॉरल लोकस स्टैंडाई नहीं है बात करने का किसानों पे, आपका तो मॉरल लोकस स्टैंडाई नहीं है युवाओं पे बात करने के लिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पैसे की दीवार में मिटा देना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी आपके मन में है तो आपको टिकट मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस की विचारधारा है क्या? मुझे तो संघ की विचारधारा पता है, और संघ की विचारधारा से प्रेरित
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी बहुत हद तक मैं समझने की कोशिश कर रही हूं जब जब मैं इन लोगों के साथ कैंपेन करती हूं, पर आपकी विचारधारा मुझे समझ में नहीं आती। आपकी विचारधारा वो खिचड़ी विचारधारा है जिसके दम पे आप केवल सत्ता यूजर्प करना चाहते हैं, सत्ता हड़पना चाहते हैं। आपने कहा आपको स्टेज आपने कहा कि आपको बीजेपी और संघ के कार्यक्रमों में स्टेज खाली नहीं मिलेगा। जी राहुल गांधी जी, क्योंकि स्टेज पे सम्मान उस सभी व्यक्ति का किया जाता है जो उस सम्मान के लायक हो, और आपके यहां स्टेज केवल या तो पंजे को मिलता है या आप जैसे डायनेस्ट को मिलता है। राहुल गांधी जी, कोरी लफाजियां तो आपने कर दी कि हम यहां पर खींच कर किसानों को लाएंगे, खींच कर ट्राइबल्स को लाएंगे, खींच कर महिलाओं को लाएंगे। कब? 7 दशकों तक तो लगभग आपने ही शासन किया है, अभी तक ऐसा क्या खींच रहे हैं कि अभी तक खींचे खिंचाए लोग पहुंच करके नहीं आ पाए यहां तक। एक व्यक्ति जो आपके अगेंस्ट विरोध की ज्वाला भड़काने की कोशिश करता है कांग्रेस पार्टी में, आप उस ज्वाला को भी शांत कर देते हैं, और आप हमारे सामने आकर लफाजियां करते हैं कि हम स्टेज पे आप लोगों को जगह देना चाहते हैं। आपने जिस दंभ से कहा कि हम स्टेज पर लोगों को लेकर आएंगे और ये स्टेज खाली नहीं मिलेगा, वो दंभ एक शहजादे का है, वो दंभ एक ऐसे व्यक्ति का है जो लोगों के सामने जाकर कह सकता है कि मैं दूंगा तुम्हें जगह, क्योंकि जगह तुम अपने हिसाब से चुन नहीं सकते। मैं जहां बोलूंगा वहां तुम बैठोगे, मैं तुम्हें जो दान स्वरूप भीख स्वरूप दूंगा वो तुम लोगे। और इसीलिए राहुल गांधी जी, मुझे आश्चर्य नहीं होता जब आप मजाक मजाक में ये कह देते हैं कि एक कुत्ता मेरा ट्वीट करता है, एक कुत्ता। आज आपने अपना ट्विटर हैंडल @राहुल गांधी किया है, ऑफिस ऑफ राहुल गांधी से बदलकर। क्यों किया राहुल गांधी जी? क्योंकि आपके साथ काम करने वाले वो तमाम लोग जो आपके लिए ट्वीट कर रहे थे, उसको आपने पिदी और कुत्ता कहकर संबोधित किया था। मुझे नहीं पता आपके पार्टी में कितने लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट और जमीर बचा हुआ है, पर अगर मैं आपके पार्टी की कार्यकर्ता होती तो मैं सबसे पहले ऑफेंस लेती। हाउ डेयर समबडी इन हूज ऑफिस आई वर्क कॉल मी अ पिदी बिकॉज आई एम ट्वीटिंग फॉर हिम और हर। तो ये जो मानसिकता जो आप कैरी करते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही वो शक्ति हैं जो आपको उस मंच पर जगह देंगे, जो आपको टिकट बांटेंगे, जो मैं चाहूंगा वो हम करेंगे, वही मानसिकता आपसे कहवाती है राहुल गांधी जी कि स्टेज की जगह खाली है और मैं आप लोगों को खींच कर लेकर आऊंगा। अच्छा होता अगर आप ये कहते कि आप काम करिए, ये मंच खुद ब खुद आप तक चल कर जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इससे आपकी सत्ता को चैलेंज मिलता है, और चैलेंज आपकी सत्ता को चैलेंज करने वाले सारे लोग या तो मार डाले गए या बहुत ही विद्रूप सी परिस्थिति में, बहुत ही घटाटोप की स्थिति में वो गायब हो गए। आपने कहा शिक्षा का हक केवल एलीट का नहीं है। बहुत हंसी आती है मुझे ये सुनकर, क्योंकि जिस व्यक्ति का पूरा खानदान बाहर पढ़ा हो, जिस व्यक्ति के पूरे खानदान ने वो अपनी सारी पढ़ाई कैम्ब्रिज और लंदन और यूएस और पता नहीं कहां कहां की हो, वो इंसान आज आकर हमें ज्ञान बांट रहा है कि शिक्षा एलीट की चीज नहीं है। जो व्यक्ति अपने ही बनाए हुए स्कूल में पढ़ा नहीं हो और वो दून स्कूल में पढ़ाई करके आता हो, वो हमें बताएगा कि कौन सी चीज एलीट है और कौन सी चीज नॉन एलीट है, और वो किस तरह शिक्षा को जनरलाइज करेंगे और सभी जनों तक सुलभ करवाएंगे। ऐसा है राहुल गांधी जी कि ये आपके दादी वाला भारत नहीं है जिसमें आप एक भगवान की तरह अवतरित हों और लोगों को वितरण करें। आपकी जो छोटी छोटी भीख है, जो छोटी छोटी धन राशि है, जो छोटी छोटी छोटे छोटे फ्रीबीज हैं वो बांटें, ऐसा देश रहा नहीं। देश जाग चुका है, देश खुददार हो चुका है, और उसको पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, लफाजी क्या है और एक्शन क्या है। मैं मानती हूं कि पिछले 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहली बार इस तरह के प्रचंड बहुमत से आई है सरकार बनाने, उसकी कुछ कमियां होंगी, निश्चित रूप से होंगी। जो व्यक्ति पिछले 7 दशकों से कमियां कर रहा है, वो उस व्यक्ति का लोकस स्टैंडाई क्या है 4 साल की सरकार पे सवाल पूछने का, और ये पूछने का कि आपने सिस्टमिक इश्यूज पे सवाल पूछने का। आप डीमोनेटाइजेशन पे सवाल पूछते हैं ना राहुल गांधी जी, आप GST पे सवाल पूछते हैं ना राहुल गांधी जी, तो मुझे फिर भी ठीक लगता है कि चलो ये नई पॉलिसी थी उस पर बात कर ली। पर आपकी हिम्मत कैसे होती है, आपका जमीर धिक्कारता कैसे नहीं है जब आप किसानों की, गरीबों की, ट्राइबल्स की, महिलाओं की बात करते हैं? क्या आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप ही के द्वारा क्रिएट किया गया पूरा का पूरा प्रॉब्लम है और उस पर आप बार बार आकर इस सरकार से सवाल पूछते हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं
कि जब शायरा बानू की बात आपके पिताजी के समय में हुई थी, आपने क्यों नहीं उसी समय मुसलमान महिलाओं को न्याय दे दिया था? क्यों इतना समय लग गया ट्रिपल तलाक को बैन करने में, वो भी तब जब सारे इस्लामिक देशों ने बैन किया हुआ है? अभी भी समय है राहुल गांधी जी, आप बुरखा पे अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, आप हलाला पे अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, आप प्रतिक्रिया दे दीजिए उन सारे चर्च और चर्च फंडेड इंस्टीट्यूशंस पे जो हमारे समाज को जोंक की तरह उसका खून पी रहे हैं। क्यों नहीं बोलते आप? आपको दिक्कत क्या होती है ये सब बोलने में? और आपका अगर जमीर है और अगर आप जेन्युइनली जनता की समस्याओं को उठाना चाहते हैं तो उठाइए। ये सारे सवाल एक युवा के सवाल हैं, ये सारे सवाल एक टैक्स पेइंग सिटीजन के सवाल हैं। मुझे बहुत हंसी आती है जब राहुल गांधी जी तंज कसते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट पे तंज कसते हुए कहते हैं कि ये व्यक्ति अक्यूज्ड है मर्डर में। लोग भूल जाते हैं कि ये वही राहुल गांधी है जो भी बेल पर बाहर है, ये वही राहुल गांधी और उसकी मां है जो नेशनल हेराल्ड केस में अभी बरी हुए है, बेल पे हैं अभी। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है जनरेशन दर जनरेशन, कि आप लोगों को झूठ का ये पूरा माया जाल फैलाने में बिल्कुल भी ना संकोच होता है, ना शर्म आती है, ना किसी तरह का कोई भी मॉरल क्वेश्चन है जो आपको धिक्कारता है। डिमोनेटाइजेशन का दर्द इतना गहरा है कि वो बार बार छलक कर आता है, लेकिन आप छलकाइए, क्योंकि आप वो दर्द जितना छलकाएंगे उतना ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अभी भी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से डिमोनेटाइजेशन ने आप लोगों की कमर तोड़ दी है, अभी और समझ आएगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि आरएसएस ने अंबेडकर जी को पानी पीने नहीं दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि या तो वो डिसाइड कर लें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की राजनीति और भारत की समाज व्यवस्था के साथ उतना जुड़ा नहीं था जिस तरह से कांग्रेस जुड़ी थी, क्योंकि बार बार आक्षेप ये लगाते हैं कि हमने लड़ा आजादी की लड़ाई के समय हम सबसे आगे फोर फ्रंट पे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं संघ नहीं था। फिर वो बार बार ये कहते हैं कि जितना काम हमने जनता के साथ किया उतना काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया। तो जब जनता के साथ काम नहीं किया, जब जनता के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी नहीं हुई थी, तो अंबेडकर जी को कैसे रोक दिया उन्होंने पानी पीने से? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं जब आप कुछ बोलते हैं तो। और क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में जो जातिवाद है वो आरएसएस की देन है? शर्म आती है राहुल गांधी जी, आपकी भारत पे इतनी 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 स्थूल समझ को देखकर मुझे शर्म आती है कि 50 वर्षीय युवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जातिवाद के लिए पूरा का पूरा अक्यूज कर रहा है। इनको मुझे लगता है थोड़ा सा सोशियोलॉजी क्लासेस देने की जरूरत है। ये जो एकेडेमिया में और मीडिया में जो इनके भक्त टाइप के लोग हैं और जो मीडिया में कांग्रेस कुलीज हैं, उनको चाहिए कि राहुल गांधी जी को बैठ के समझाएं कि बेटा देखो ऐसा है कि सामाजिक चीजें, सोशियोलॉजिकल चीजें और पॉलिटिकल चीजों में एक अंतर होता है। कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे डाउरी सामाजिक कुरीति है, ये राजनीतिक इशू नहीं है, लेकिन जब आप राजनीतिक भाषण में डाउरी के खिलाफ एक बड़ी लंबी चौड़ी लफाजी कर देते हैं तो इससे आपका शॉर्ट साइटेडनेस और इससे आपका मानसिक दिवालियापन दिखता है। तो अगली बार जब आप जातिवाद पे, धर्म पे, इस पे जब आप सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बोलेंगे तो एक बार समझिएगा कि सोशल, सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में एक फर्क है। दलितों की बार बार करते हुए राहुल गांधी जी अंबेडकर का पक्ष तो लेते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से दक्षिणी वेलायुधन को भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं, मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि एक गोरा सवर्ण मेल जब कांग्रेस प्लेनरी सेशन में खड़े होकर बात करता है तो वो केवल एक मेल की बात कर सकता है। दक्षिणी वेलायुधन प्रथम दलित महिला थी। राहुल गांधी जी को शर्म आएगी एक दलित महिला को उस स्टेज के उद्बोधन में अपने स्पीच का पार्ट बनाते हुए, क्योंकि दक्षिणी वेलायुधन के बारे में उन्होंने सुना भी नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो जानबूझकर वो उनको गोल करना चाहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है ही नहीं कि असली हीरोज और असली हीरोइंस को वो सामने, जनता के सामने लाकर रख सके। राहुल गांधी जी ने गौरी लंकेश और कलबुर्गी की चर्चा कर डाली। जो भी स्पीच राइटर थे भूल गए कि हमारे संविधान में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और ये दोनों घटनाएं जब हुई तो कांग्रेस पार्टी उस प्रदेश में शासन कर रही थी। मैं तो पूछना चाहती हूं कि भाई गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे केस आपकी सरकार में हुए ही क्यों? आपने इमरजेंसी करवाई, आप ही और आपकी पार्टी की वजह से इमरजेंसी आई देश में, और आपकी पार्टी के समय ही सबसे ज्यादा हमले पत्रकारों पर होते हैं।
तो ऐसा कौन सी रंजिश है आपकी पत्रकारों के साथ राहुल गांधी जी, कि लफाजियां तो आप बहुत कर जाते हैं पर उसके बियॉन्ड आप कुछ कर नहीं पाते। मुझे लगता है इसी तरह की तमाम हास्यास्पद बातें राहुल गांधी जी ने कही हैं, और इस बार वो हास्यास्पद इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि पहली बार राहुल गांधी जी ने पूरे सेंटेंसेस के साथ अपना भाषण दिया है। पर हमें तय करना होगा कि इस भाषण के पीछे का जो जहर है उसको हमें पीना है या उसको हमें नकारना है। धन्यवाद।